हेलो वेलकम नमस्ते। आज हम बनाएंगे खरा बटा किनू शाक। उसके लिए हमको ये बेबी पोटैटो चाहिए जो छोटे छोटे, बिना इसको स्किन आप निकाले नहीं, ऐसे ही आप अच्छी तरह से उसको ऐसे लंबे लंबे पीसीस में कट कर लें। हींग चाहिए, स्वाद अनुसार नमक, तिल, सेसमे सीड्स, ऑयल, जीरा, मस्टर्ड सीड्स, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसको हम पोटैटो को पहले ऐसे स्लाइस में कट करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में आप थोड़ा सा तेल ले लें, तेल जैसे आपका गर्म होता है उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स डालें, थोड़ा सा राई, जीरा ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो जीरा भी आप डाल सकते हैं। राई जैसे क्रैकल होता है उसके अंदर हम डालेंगे। हींग डालेंगे और तिल, सेसमे सीड्स, तिल डालेंगे और ये जो पोटैटो स्लाइस हमने कट किया है वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लिया, उसको हम 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो हीट पे उसको पकाने देंगे, जब तक पोटैटो हमारे पकते हैं। तब तक 15 मिनट आप उसको पकाएं अच्छी तरह से। पंद्रह मिनट के बाद इसको आप ढक्कन खोलें और इसके अंदर डालें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स करके उसको दोबारा 8 से 9 मिनट तक उसको ढक के पकने दें। थोड़ा सा मसाला अंदर जाए पोटैटो में, तब तक ये देखिए हमारा सब्जी रेडी है। उसके ऊपर आप फ्रेश धनिया बारीक कट करके इसको आप गर्मा गर्म डीप में निकाल के चपाती के साथ सर्व करें। बहुत ही बढ़िया और जल्दी सब्जी बन जाती है, अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है। ज़रूर आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच।